देवर जी का मुकुट मुकुट सबको बुलाओ, हमें सबकी जरूरत है, बोलो उन्हें कि अभी क्या भी हमारे लल्ला को बस वापस लेके आए। हमारा लल्ला एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहेगा, हम कह दे रहे हैं। फोन करो घर। जी शांत हो जाइए, पानी पी लो। करे पाड़ो। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? तुमने खाद बाबू के खिलाफ जो FIR लिखी ना, उसको वापस लो, क्योंकि तुमको भी पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने वही कहा है जो हमारी बहन ने हमें बताया है, और वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी जबकि वो जबकि क्या? कालिंदी, जीजी कुछ पूछ रही है ना, बोलो। कालिंदी अपनी बात पूरी करो। निहारिका प्रेग्नेंट है। और बच्चा देवर जी का है। कालिंदी क्या बकवास है ये? जो बोल रही हो सोच समझ के बोलो। क्यों ना बोले, हमारी बहन को तुम्हारे भाई ने प्रेग्नेंट किया, और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। उसका फायदा उठाया उन्होंने। दी बस कीजिए प्लीज। दी आपको क्या जरूरत थी सबको ऐसे सच बताने की? हमने आपसे ये सोच के बताया था कि आप किसी से नहीं बताएंगे। अब क्या होगा अर्जुन और रज्जो के रिश्ते का? एक मिनट दी, अर्जुन का है? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दी अर्जुन कहाँ है बोलिए। वही जहां उन्हें होना चाहिए, जेल में। दी ये क्या किया आपने? अर्जुन जेल में? हमने पहले भी कहा था आपसे, ये हमारे और अर्जुन के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे खुद। हमें नहीं पता, हमें भी जा रहे हैं, अर्जुन को रिहा करके घर लेके आएंगे वापिस। हम कहीं नहीं जाओगी तुम, रुक जाओ। धोखा दिया है अर्जुन ने तुम्हें। दी हमें अर्जुन ने कोई धोखा नहीं दिया, और अर्जुन की कोई गलती नहीं है। हमने और अर्जुन ने एक दूसरे से शादी तक करने का फैसला कर लिया था, वो तो इस रज्जो की गलती है। अर्जुन को क्या पता था कि एंड मोमेंट तक यहीं पे रहेगी और कहीं नहीं जाएगी? और अर्जुन तो वैसे भी इस शादी में कभी रहने नहीं चाहता था। झूठी जुबान, देख लूंगी मैं इसकी। रज्जो तो जानती है ना, अर्जुन बाबू तुझसे कितना प्यार करते, फिर क्यों इन सब में पड़ना? और अर्जुन रज्जो से कभी अलग होने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन सपने तो यही दिखाए थे ना उन्होंने हमारी बहन को, कि एक तरफ रज्जो को तलाक देंगे और दूसरी तरफ हमारी बहन से शादी कर लेंगे। झूठ, तुमको भी पता है तुम्हारी बहन झूठ बोल रही हो, तुम इसी का साथ दे रही हो। हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं, और इस सच को साबित करने के लिए ना हमारे पास प्रूफ भी है। रुको दिखाओ, ये देखो देखो। तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती ना, हम पढ़ के सुनाते। आई लव यू निहारिका, बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे हम, तुम और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। देखिए आप सब लोग देखिए, ये सारे मैसेजेस देवर जी ने पिछले एक महीने में निहारिका को भेजे हैं। क्या इन सबसे ये साबित नहीं होता कि ये दोनों कितने क्लोज थे, दोस्त से ज्यादा थे? दी हम ये सारे मैसेजेस डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते अर्जुन के खिलाफ कोई भी सबूत बचे। हम उसे सही सलामत घर वापस लेके आएंगे, कुछ नहीं होने देंगे अर्जुन को। आंटी आप प्लीज हमारे साथ चलिए, हम अपने अर्जुन को वापस लेके आएंगे। आइए आप। रुको निहारिका, देखा चिराग,
कितना प्यार करती है ये देवर जी से। खुद के बदनाम होने की परवाह नहीं है इसे, देवर जी की है। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब झूठ है, कोई चाल है? चाल है, इसकी सोची समझी चाल। खास बाबू ने तुमको कोई संदेश नहीं भेजा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझको पूरा भरोसा है उन पे, वो मुझसे प्यार करते हैं। तो अर्जुन ने तुमको कभी बोला कि वो तुमसे प्यार करते हैं? बताओ। नहीं ना, क्योंकि अर्जुन ने हमें कहा है और तुमने जो सारे मैसेजेस देखे फोन में वो सबूत है उस बात का। तो तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा होगा रज्जू, अगर तुम जितना जल्दी हो सके इस सच को मान लो। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले तुम हमारे और अर्जुन के रिश्ते पर शक करती थी ना, कहाँ गया वो अब शक? वो हमारे बीच गलतफहमी थी। शट अप, यू बोथ शट अप। देवर जी ने किसको आई लव यू कहा और किसको नहीं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, क्योंकि हमने पहले ही देवर जी के फोन से वो सारे मैसेजेस इंस्पेक्टर को भेज दिए थे। कालिंदी, इतना सब कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे, तुमने आके बात भी नहीं की हमसे? हमसे बात की थी हाँ, जब हमारे डैड को जेल भेज रहे थे तो हमसे बात की थी। एक सेकंड नहीं लगा था उन्हें जेल भेजने से पहले, तभी तो यही इल्जाम थे ना जो आज देवर जी पर लग रहे हैं। तो क्या बात करें, क्योंकि एक जुर्म की सजा तो सबके लिए एक होती है ना। सजा तो इसे मिलनी चाहिए, कि सब सब इसकी वजह से हुआ। श्राप है ये, हमारी लल्ला की जिंदगी में श्राप है ये। बस मां, हमें पूरा सच मालूम नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। चिराग, तुम्हें अभी इस रज्जू पे भरोसा है? अपनी बीवी पे नहीं, हमारी बहन पे नहीं? हमारा भरोसा जीतने के लिए न्यारी का कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे अब ये पता लगेगा कि ये बच्चा किसका है। क्यों डर गई? जांच नहीं करानी? रज्जो की माई से किसी ने जांच करवाने को कहा था? हाँ, जब इन्होंने हमारे डैड पर इल्जाम लगाया था कि वो रज्जो के बाप है, पूछो इनसे, की थी कोई जांच तब? मेरी माई को इन सब में मत घसीटो। क्यों ना घसीटे? हमारे डैडी पर कीचड़ उछाला है तो तुम पर भी तो छींटे उछलेंगी ना। हमारे डैडी को तो बड़ी आसानी से सबने दोषी ठहरा दिया था, उन पर भी तो यही इल्जाम लगे थे ना जो देवर जी पे लगे हैं। तो आज जांच करनी है, तब जांच नहीं करनी थी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे डैडी के बाद आज तुमने हमारी बहन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कालिंदी, कालिंदी, क्या 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 तो करना चाहती है बताना। हम अपनी लल्ला की रिहाई के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बार बता दो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल दो। तुम क्या चाहती हो बस एक बार बोल दो। हमें हमारे परिवार के लिए, हमारी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। जी जी पापा, ठीक है। पापा कमिश्नर के साथ है और वो, और बोलो ना क्या बोले? छोटे के छूटने की उम्मीद बहुत कम है, उस पे जितने भी केसेस लगे हैं वो बहुत सीरियस है। सच छोटे के साथ है लेकिन कानून सबूत मांगता है और सबूत निहारिका के पास है। उनके साथ जितनी भी बातें हुई है, उनकी चैट्स, निहारिका का यहाँ पे रुकना जिसमें हम सबकी मंजूरी थी, और अब ये प्रेगनेंसी, इन सारे सबूतों को गलत और अर्जुन को बेकसूर साबित करना बहुत मुश्किल है। हमने जितने भी वकीलों से बात की है उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सिर्फ एक ही रास्ता है जो अर्जुन को जेल से छुड़ा सकते हैं। और वो क्या है?
जिसने भी एफआईआर करवाई है अगर वो वापस ले तो।